पुत्र गणेश, मैंने श्री महागणेश की पूजा का संकल्प किया है। मैं स्नान करने स्नान गृह जा रही हूँ। तुम यहाँ मेरे प्रहरी बनकर द्वार पर ही खड़े रहना, किसी को भी भीतर ना आने देना। मेरे रहते हुए कौन भीतर आएगा माता? लो पुत्र, ये दंड धारण करके तुम गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर और दंड नायक बन जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा ना माने उस पर दंड का प्रयोग करना, किंतु जो आज्ञा मान ले उसे अपनी कृपा प्रदान करने में कभी संकोच ना करना। जो आज्ञा माता। जय माता की, जय माता की। आप भीतर नहीं आ सकते, माता की आज्ञा है, लौट जाए यहाँ से। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन हूँ? अपनी माता का पुत्र हूँ। सदाचार की प्रतीक भक्ति हूँ। मैं सत्यव्रती और सदाचारी का आभूषण पूजा हूँ। श्री महागणेश का वचन सुनकर देवी पार्वती कुछ कहें इससे पूर्व ही अपनी सखियों जया और विजया को देखकर वे आनंदित हो जाती हैं। श्री महागणेश को पुत्र रूप में पाने की पार्वती की मनोकामना सुनकर जया विजया चकित हो जाती हैं। नंदी के विरोध पर क्रोधित शिव शंकर उसे प्रताड़ित करके पार्वती के स्नान गृह में प्रवेश करते हैं। अपने अपमान से उत्तेजित जब गजराज ऐरावत ने देवताओं को दंडित करना प्रारंभ किया, तभी इंद्र के शाप के कारण वे स्वर्ग से पतित हो गए। ऐरावत के पतन का सीधा संबंध श्री महागणेश के नवीन अवतार से है। उधर आज कैलाश के अपने कक्ष में देवी पार्वती अत्यंत दुखी और चिंतित हैं। आज जो कुछ भी घटित हुआ वो उचित नहीं था। मेरी प्रिय सखियां जया और विजया निराश होकर लौट गईं। माता पिता को जब इस घटना की सूचना मिलेगी तो वे अवश्य दुखी होंगे। मेरा स्नान भी अधूरा रह गया, मेरे व्यवहार से स्वामी भी अवश्य शुभ हुए होंगे। न जाने ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, मैं क्या करूं? परंतु कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। श्री महागणेश की पूजा के संकल्प के साथ तुम्हारा जो स्नान अधूरा रह गया था उसे पूर्ण करो। शक्ति, पहले तुम मुझे ये बताओ, ये अघटित घटित कैसे हो गया? पार्वती, जो कुछ भी घटित हुआ वो परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार ही हुआ। परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार? हाँ पार्वती, तुम पल प्रतिपल हमारी जन्म जन्मांतर की अपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने की दिशा में ही बढ़ रही हो। ये घटनाएं तुम्हें उसी पूर्णता की ओर ले जाएंगी। किंतु शक्ति, देवी पार्वती, बीती हुई घटना पर इस समय बात करना व्यर्थ है। तुम्हें क्या करूं? अपने अपूर्ण संकल्प को पूर्ण करो पार्वती। व्यर्थ के वाद विवाद से उद्विग्न होने के स्थान पर संपूर्ण संकल्प स्नान का आयोजन करो। संपूर्ण स्नान का आयोजन अर्थात?
शिवप्रिया देवी पार्वती, इन दिव्य उपटनों को शुभ संकल्प के साथ अपने तन पर लगाओ। जब इन उपटनों की दिव्य सुगंध से तुम्हारा मन भी प्रसन्न हो जाए तो स्नान के लिए प्रस्थान करो। तुम्हें अनुभव होगा कि ऐसा दिव्य और आनंद भरा स्नान तुमने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। देवी पार्वती, इन दिव्य उपटनों का उपयोग करो, किंतु इनकी दिव्यता से इतनी अधिक प्रभावित न हो जाना कि स्नान करना ही भूल जाओ। सौभाग्य प्रदान करो माता, कब से मैं तुम्हारा वात्सल्य और प्रेम पाने के लिए मचल रहा था, मुझे भूख भी लग रही है माता, शीघ्र प्रकट करो ना। Thank you.
प्रकट हो गया। कौन हो तुम? तुम्हारा पुत्र माता। मेरा पुत्र? हाँ माता, वही पुत्र जिसे पाने के लिए तुम जन जन्मांतरों से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या तुम्हें महागणेश के अवतार हो मेरे पुत्र? परंतु मैं महागणेश नहीं, केवल गणेश हूँ। मुझे गौरी पुत्र गणेश कहकर पुकारो ना माता। गौरी पुत्र गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश, गौरी पुत्र। गणों के ईश्वर गौरी पुत्र गणेश, कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? प्रिय तो आपने कर दिया माता। कैसे पुत्र? मुझे आकार प्रदान करके जन्म देने और आकार प्रदान करने वाली माता का स्थान तो भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। माता, पुत्र संसार के हर ऋण से मुक्त हो सकता है, किंतु माता के ऋण से किसी भी प्रकार मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो गणेश। तुम्हारा पुत्र जो हूँ माता, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तुम मेरी सेवा करोगे? हाँ माता, माँ की सेवा करना तो पुत्र का कर्तव्य ही होता है। मेरा पुत्र गणेश। माता, तुम्हारे हृदय में तो आनंद का सागर हिलोरे ले रहा है। उसी आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूँ। पुत्र गणेश, मेरा पुत्र गणेश। माता, पुत्र। माता, गौरी पुत्र गणेश, मेरा पुत्र। देवी पार्वती, पार्वती इन दिव्य उपकरणों का उपयोग करो, किंतु इनके देवता से इतनी अधिक प्रभावित न हो जाना कि स्नान करना ही भूल जाओ। पुत्र गणेश, मैंने श्री महागणेश की पूजा का संकल्प किया है। मैं स्नान करने स्नान गृह जा रही हूँ। तुम यहाँ मेरे प्रहरी बनकर द्वार पर ही खड़े रहना, किसी को भी भीतर ना आने देना। मेरे रहते हुए कौन भीतर आएगा माता? लो पुत्र, ये दंड धारण करके तुम गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर और दंड नायक बन जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा ना माने उस पर दंड का प्रयोग करना, किंतु जो आज्ञा मान ले उसे अपनी कृपा प्रदान करने में कभी संकोच ना करना। जो आज्ञा माता। जय माता की, जय माता की, जय माता की। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, तुम्हें भूख लगी थी ना? हाँ माता, अत्यधिक भूख लगी है। पुत्र गणेश, इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाओ, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। किंतु पुत्र, इस द्वार पर डटे रहना, जब तक मैं लौट कर ना आऊं यहीं पर पहरा देना। जय माता की। माता, आप निश्चिंत होकर स्नान करने जाइए, मैं यहाँ डटा रहूंगा। जय माता की। इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी है। सुगंध ही नहीं, इनका स्वाद भी बहुत अच्छा है। ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं।
पौधा कहाँ गए? हम यहाँ हैं। अरे तुम लोग वहाँ कैसे चले गए? पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं? हम श्री गणेश हैं। श्री गणेश? पहले मुझे खाएं। नहीं श्री गणेश, पहले मेरा भोग लगाएं। आप सभी धैर्य धरें, मैं सबका भोग लगाऊंगा। नहीं श्री गणेश, मैं सबसे आगे हूँ, पहले मेरा भोग लगाएं। अति स्वादिष्ट। आज्ञा करें प्रभु। देवी जया और विजया को हमने आश्वस्त किया था कि हम देवी पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, परंतु हमें ध्यान ही नहीं रहा। तुमने हमें इस बात का स्मरण क्यों नहीं करवाया? क्षमा करें भोलेनाथ, स्मरण कराने पर तो आप क्रोधित हो जाते हैं और त्रिशूल से प्रहार कर बैठते हैं। अभी तक उस घटना का दुख तुम्हारे भीतर है। दुख से अधिक तो माता का क्रोध है और माता के क्रोध से मुझे भय बहुत लगता है, इसी कारण। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे नंदी कि तुम्हारी माता मुझ पर भी क्रोध करेंगी? नहीं प्रभु, ऐसा सोचना तो मेरी भूल थी, मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन हूँ? अपनी माता का पुत्र हूँ। माता का पुत्र? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर, न जाने कहाँ से चले आए और अपने आप को माता का पुत्र कह रहे हो? चल हट जा मेरे मार्ग से। माता ने कहा था डर जाओ और ये कह रहे हैं हट जाओ। महोदय, मुझे हटना ही होता तो आपको रोकता है क्यों? आप इतनी सी भी बात समझ नहीं पा रहे। हम इस कैलाश के स्वामी हैं, ये संपूर्ण कैलाश हमारा है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें रोकने वाले तुम कौन होते हो? चल मेरे मार्ग से हट जा। व्यर्थ का विवाद न बढ़ाएं कैलाशपति, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा।